चिकन नगेट्स और चिकन पॉपकॉर्न ऑल टाइम फेवरेट आइटम फॉर एवरीवन। क्रंची चिकन नगेट्स स्पेशली बच्चे को बहुत पसंद आता है। आज हम वही चिकन नगेट्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। 400 ग्राम चिकन ब्रेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। अभी इसमें 2 टीस्पून लेमन जूस, 1/2 कप बटर मिल्क, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून शेजवान सॉस। आप चाहे तो इसे स्टीम भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके 15 टू 20 मिनट के लिए प्रेस पे रख लीजिए। अभी कोटिंग के लिए चाहिए 1 कप मैदा, 1/2 कप कॉर्नस्टार्च, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। सब एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अभी एक अलग जगह पे ठंडा पानी रख लीजिए। ये चिकन कोटिंग के बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। पहले चिकन पीसेस को लेके मैदे के अंदर डाल लीजिए एंड अच्छी तरह से कोट कर लीजिए। अच्छे से शेक करना है, इससे एक्सेस मैदा निकल जाएगा। फिर उसे ठंडे पानी के अंदर डाल देना है। कुछ सेकंड के अंदर पानी से निकल के फिर से मैदा मिक्स में डाल देना है। एंड अच्छी तरह से मैदा का कोट कर लेना है। अच्छे से शेक करना है, इससे एक्सेस मैदा निकल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं चिकन के ऊपर कैसे परफेक्ट क्रंब आ गया है। इस तरह से सभी चिकन पीसेस को क्रंब कर लीजिए एंड प्लेट के ऊपर रख लीजिए। आप चाहे तो इसे एयरटाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं फ्रीजर में 2 to 3 डेज के लिए। अभी कढ़ाई में तेल ऐड करें। तेल गर्म होने के बाद एक एक करके चिकन पीसेस को डाल दीजिए। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। बस रेडी हो गया आपका चिकन नगेट्स। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय करें।